उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी जी महाराज के बगैर सूचना के गिरिडीह आने पर गिरिडीह जिला प्रशासन ने उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। बताया गया कि साक्षी जी महाराज शनिवार सुबह ही गिरिडीह के शांति भवन सत्संग आश्रम आए थे और आज ही 5 बजे शाम उन्हें ट्रेन से वापस उत्तर प्रदेश लौट जाना था। धनबाद से उनकी ट्रेन थी, इसी को लेकर वे गिरिडीह से जैसे ही निकले तो गिरिडीह सदर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने इनका पीछा करते हुए इन्हें पीटार थाना क्षेत्र में रोक लिया। बताया गया कि प्रशासनिक आदेश है कि कोविड-19 को देखते हुए इन्हें अब 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। काफी देर तक बातचीत के बाद आखिरकार साक्षी महाराज मान गए और इन्हें सत्संग आश्रम में ही 14 दिनों तक रहने की इजाजत दे दी गई। प्रशासन के इस कार्रवाई से साक्षी महाराज थोड़े नाराज भी दिखे। गर्मी में परेशानी हो रही है। आप नंबर बताएं। चलिए साफ से चलिए, हम भी आपके साथ आश्रम में बैठ के मेडिटेशन कर लेंगे। नहीं मेडिटेशन क्या करेंगे, अभी ऊपर से मुझसे का फोन आ जाएगा। चलिए अभी गर्मी में फालतू का हम लोग से परेशान हो रहे हैं। छुट्टी का दिन है, हमारी मुहर्रम की ड्यूटी कर रही है हमारी पुलिस। नंबर आप हमारे पास भेज दीजिए, बात कर लेते हैं। आपका नंबर भेज दीजिए और हम निकल ही गए तो आपको उसमें क्या परेशानी। चला आपका धनबाद नहीं बैठ के हम आसनसोल चले जाते, क्या परेशानी। तो आपको सहयोग करना चाहिए, अपने मित्री योग्य हैं, पुराना पहले से हमें जानते हैं। तो हम नहीं धनबाद बैठेंगे, हम ताला चले जाएंगे आसनसोल, वहाँ से बैठ जाएंगे। इस बाबत साक्षी जी महाराज ने कहा कि वह किसी राजनीतिक कार्यक्रम में यहाँ नहीं आए थे, बल्कि अपने बीमार माताजी को देखने के लिए आश्रम में आए थे और उन्हें 2 घंटे में ही लौटना था। इन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भावना से ग्रस्त होकर सरकार और प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आपको पता है कुवैत मेरे पीछे पड़ा है, आपको पता है एक आतंकी को भी ATS उत्तर प्रदेश ने पकड़ के जेल में भेजा है, जिसने मुझे बम छोड़ा नहीं धमकी दी। जब आपको सारी जानकारी है मेरे बारे में, फिर काहे को इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। जब मुझ जैसा व्यक्ति दिल्ली से चलता है तो अपना फैक्स हर एक जिले के DM को, SP को और प्रमुख सचिव को और DGP को भेजता है। वो मैंने फॉलो किया, भेजा। अगर यहाँ कोई नियम कानून बन गया था तो झारखंड का DGP या प्रमुख सचिव झारखंड या DM गिरिडीह या SP गिरिडीह मेरे फैक्स पर तुरंत मुझे कहते कि आप यहाँ नहीं आ सकते। मैं नहीं आता। जब मैं यहाँ आ गया उसके बाद ये बस सलूकी तो ठीक नहीं है। बाकायदा मैंने मेरे ऑफिस से फैक्स और मेल आया है, उस फैक्स और मेल का तो जवाब कोई दिया नहीं गया। अगर मेरे यहाँ परसों फैक्स आया तो परसों ही जवाब दे देते, मैं कल नहीं बैठता। कहा ये जा रहा कि कल ही जिला प्रशासन ने जवाब दे दिया है। कह रहा हूँ ना, मैंने परसों फैक्स किया है, कोई जवाब नहीं आया। तो जवाब आता मैं नहीं आता। मान के क्या चला जाए कि राज्य सरकार हेमंत सरकार के निर्देश पर ये दुनिया आ रही है जा रही है। साक्षी महाराज BJP के MP हैं तो शायद इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। आप सबको पता है न पता हो तो देख लो, मेरी माताजी 97 ईयर्स की हैं और बहुत बीमार हैं। तो क्या इतनी संवेदना यहाँ की सरकार की नहीं है, DM की नहीं है? क्या उन्हें कोई देखने नहीं आ सकता? उनका भी फोटो लेके जाइए आप। 97 ईयर्स की हैं, कब चली जाएंगी कोई पता नहीं उनका। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, सीनियर मेंबर पार्लियामेंट हूँ, 6 बार से लगातार MP हूँ और मेरा ये अपना आश्रम है। अपने घर में नहीं आ सकते क्या? कि उधार का आश्रम नहीं है वो? पब्लिक मीटिंग करने नहीं आया हूँ। ये मेरा आश्रम है, मेरा आश्रम है और अपने आश्रम में आता जाता रहता हूँ, कोई नया नहीं आया। 97 ईयर्स की मेरी माता जी, क्या उन्हें देखने नहीं आ सकता? और कल मेरी परसों स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, मेरा रिजर्वेशन है वापसी का। मैं यहाँ पर करीब 10:30 बजे करीब आया हूँ, 12:45 बजे चला गया तो 2 घंटे में क्वारंटीन हो जाता है क्या? 24 घंटे से ज़्यादा कोई रुके तो क्वारंटीन की बात होती है, या कोई एयर से आए तब क्वारंटीन की बात होती है। झारखंड हिंदुस्तान में है, झारखंड हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। झारखंड हिंदुस्तान का एक प्रदेश है। झारखंड में हमारी भी सरकार रही है, हम भी सत्ता में हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता और हम उनकी आज्ञा के बिना तो